आप आजकल न्यूज चैनलों पर अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटो शूट पर हो रहे लंबी लंबी डिबेट और विश्लेषण देख रहे होंगे। आपको यह भी बताया जा रहा होगा कि रणवीर सिंह को न्यूड फोटो शूट कराने की क्या जरूरत थी, लेकिन क्या किसी ने आपको नासिक में बांस की बल्लियों पर नदी पार करते हुए इन आदिवासी समुदाय के लोगों की ये तस्वीरें दिखाई? क्या आपको किसी न्यूज चैनल ने पालघर के इन लोगों का दर्द बताया जो अस्पताल जाने के लिए जान हथेली पर रखकर इस तरह सफर करते हैं? और क्या आपको किसी ने ओडिशा में नदी पार करते हुए इन छोटे छोटे बच्चों की ये तस्वीरें दिखाई? हमारे देश के मीडिया ने ऐसा नहीं किया। सोचिए, ऐसा क्यों है कि रणवीर सिंह का न्यूड फोटो शूट तो नेशनल हेडलाइन बन जाती है, लेकिन भारत के आम नागरिकों का दर्द, उनकी पीड़ा कभी नेशनल हेडलाइन नहीं बन पाती? हम चाहते हैं कि आज इस सवाल के बारे में आप जरूर सोचें, ये जरूरी है, और हमारी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये रिपोर्ट भारत के असली लोकतंत्र की स्थिति को बयां करती है। और ये रिपोर्ट आज आपको ये बताएगी कि जब राजनीतिक हितों के लिए संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, तब ये लोग बांस की बल्लियों पर चलकर कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जीने को मजबूर है। और इनकी मांग बस इतनी है कि इन्हें एक पुल मिल जाए जो इनके जीवन को सुरक्षित डोर में बांध सके। नासिक जिले के सेंद्रीपाड़ा गांव के पास हैं, जो मेरे पीछे बह रही इस नदी के ठीक उस तरफ है। साथ ही सावरपाड़ा गांव भी नदी के उस तरफ ही है। बारिश के समय ये गांव बाकी हिस्सों से कट जाते हैं, क्योंकि इस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है और जो पुल बनाया गया था वो बह चुका है, जिसकी वजह से इस गाँव के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव से बाहर किसी भी काम के लिए अगर उन्हें जाना है तो नदी क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। सावरपाड़ा गांव के पास पहुंच चुका हूं। नदी के उस तरफ सावरपाड़ा गांव है और जो लकड़ी के सहारे ये नदी पार की जाती है वो लकड़ी आप देखिए यही है। अगर जरा सी भी आप चूकते हैं तो सीधा नदी में गिरेंगे और पानी का बहाव इतना तेजी है कि आपको पानी ये बहाकर दूर तक लेके जा सकता है। एक शख्स है जो पार करके इस तरफ आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट रुक जाइएगा, क्या नाम है आपका? गोपाल खुटरे। गोपाल, आप सावरपाड़ा में रहते हैं? सावरपाड़ा। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हरसूल। कुछ खास काम? बुखार। अच्छा, बुखार है आपको। हाँ। आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो लकड़ी का सहारे आप लोग पार कर रहे हैं, यही अभी आप लोग के पुल है, कोई दूसरा उपाय नहीं यहाँ पे? नहीं, उपाय नहीं है। अच्छा। हाँ। एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पुल बनाया गया था, ये देखिए उसके रॉड अभी भी दिखाई दे रहे हैं, वो क्या हुआ? पुल नदी आ गया, लेके गया। अच्छा, पानी ऊपर तक आ गया था? हाँ, ऊपर आता है ना। अच्छा, ये देखिए ये जो बता रहे हैं जिसके मुताबिक जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा पानी यहाँ पे भर गया था,
जिसकी वजह से ये पुल बहके चला गया। ये पुल कितने महीनों पहले बनाया गया था? ओ, 3 महीने हो गया। अच्छा, 3 महीने पहले बनाया गया और ये बारिश में बह गया। हाँ, बारिश में। ये पुल बनने के पहले भी आप लोग ऐसे ही पार करते थे? हाँ। तो आप लोग को पानी लेना हो या हरसुल की तरफ जाकर कुछ सामान लाना हो तो इसी तरह से जाना पड़ता है? इसी तरह से जाना पड़ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है साहब, इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। डर लगता है इस पार करते हुए? हम इधर ही रहते हैं इसलिए डर तो लगता है, लेकिन जाना पड़ता है ना, दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए उधर से जाना पड़ता है हमको। ये देखिए, पानी की जो धार है बहुत तेजी से बह रही है और आगे पानी उतना जो है भरा नहीं है। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई हादसा होता है तो शायद जान तो नहीं जाएगी लेकिन शारीरिक परेशानी जरूर हो सकती है। तो चलिए मैं इस पे से चलकर उस तरफ आता हूँ और देखिए ये हिल रहा है तो जाहिर सी बात है पहली बार मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो एक तरह का डर भी है, लेकिन आप तक इस पुल की देखिए ये जाहिर सी बात है अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो मुश्किलें आएंगी और छोटा सा है रास्ता लेकिन डरावना है। देखिए मैं तो पार कर चुका हूँ लेकिन आप सोचिए जिस तरह से महिलाएं सामान लेकर पानी के घड़े लेकर बच्चे लेकर यहाँ से पार करती हैं वो एक तरह से बेहद डरावना है। पैर भी काफ़ी स्लिप हो रहा है यहाँ पर, यकीन मानिए यहाँ पर चलकर आना डरावना है, खासतौर पर तब जब आपके हाथ में कोई सामान हो, पानी का घड़ा हो और हाथ में अगर बच्चे हों तब तो कुछ ज़्यादा ही डरावना है। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की समस्या को समझने की और उस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की। शेंद्रीपाड़ा गांव से होते हुए लोग जो है नदी क्रॉस करके सड़क की तरफ आए हैं। इन्हें दवा लेने अपनी बेटी का जाना है। कितने महीने की है बेटी आपकी? 8 महीने की। 8 महीने की। क्या हुआ है? वो सर्दी हो गया। सर्दी हो गया। आप ये बताइए कि शेंद्रीपाड़ा में रहते हैं ना? हाँ, शेंद्रीपाड़ा। तो कैसे आए आप, थोड़ा सा बताइए। लाकड़ डाला है उधर से। लकड़ी डाला है वो पकड़ के आए? पकड़। 8 महीने की बच्ची को लेकर लकड़ी पकड़ के ये पुल जो है इन्होंने पार किया, नदी जो है लकड़ी की मदद से नदी पार करते हुए ये अब जा रहे हैं हरसुल, जहां पर अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। यहां पर नजदीक में अस्पताल भी नहीं है और दूसरे पानी की जो समस्या है वो आप देखिए, नदी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ वो काफ़ी तेज रफ्तार से बह रही है और यही वजह है कि यहाँ इस गाँव के आसपास रहने वालों के लिए काफी मुश्किलें जो है फिलहाल बारिश के समय होती हैं। भातीपाड़ा के रास्ते पे है, हमारे साथ कुछ भातीपाड़ा के लोग हैं जो वहाँ के रहवासी हैं। ये रास्ता हम आपको दिखाएंगे जो भातीपाड़ा की तरफ जाता है। इसी रोड पे जो है पालकी के जरिए पेशेंट्स हैं उन्हें ऊपर तक वो लोग पहुँचाते हैं। ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे चलना भी मुश्किल है, तो आप सोचिए कि तकरीबन ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसपे पालकी उठा के ऊपर तक लेके जाना, पर इसी के चलते हम देख सकते हैं कि ये रोज़ की हालत है, सिर्फ अभी की नहीं, यानी कि सिर्फ बरसात के दिनों की बात नहीं है ये, लेकिन ये जो है आमतौर पर भी यहाँ पर रास्ता ही नहीं बना है क्योंकि ये जो है पूरा पहाड़ी इलाका है जिसके चलते यहाँ के जो रहवासी है ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 1400 लोग हैं जो आसपास के नीचे के पाड़ा में रहते हैं। तकरीबन 5 से 6 पाड़ा है नीचे जहाँ पे 1400 लोग रहते हैं और उन्हें जो है यही रूट लेके नीचे जाना पड़ता है। कई पाड़े तो ऐसे हैं नीचे जिन्हें जो है नदी पार करके जाना पड़ता है। इसके चलते जो है यहाँ पे जो है आवाजाही काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पेशेंट रहता है उसको आप लोग कैसे लेके जाते हैं? वो डोली बांध के लेके जाते हैं। फिर रात को सब लोगों को एक साथ जमा होना पड़ता है? हाँ, जमा होना पड़ता है। कितने लोग एक साथ फिर बाद में लेके जाते हैं, कितना दूर लेके जाना पड़ता है? सब लोग और 10-15 लोग तो लगता है, लेकिन रात को बहुत तकलीफ और डोंगर पार करके जाना पड़ता है। कितना टाइम लगता है आपको वहाँ तक पहुँचने को? 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। उसमें भी पेशेंट की हालत कभी खराब हो जाती है? हाँ, होती है ना, वो हॉस्पिटल तो बहुत लंबा ना जवाहर जाना पड़ता है। ये नदी पार करके जाना पड़ता है जिसके चलते
अगर कोई छोटा बच्चा हुआ, कोई फीमेल हुई, कोई बुजुर्ग महिला हुई या और कोई बुजुर्ग हुआ, तो उन्हें जो है ऐसे ही डोली में बिठा के, यानी कि पालकी में बिठा के यहाँ से वहाँ जो है नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कई घरों में जो है पानी नहीं है, यही नदी से पानी लेके वो लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। रनिंग वाटर यानी कि एक नल नहीं है वहाँ पे, और उसके अलावा भी जो है बिजली भी जो है सिर्फ 2 साल पहले आई हुई है। हम देख रहे हैं कि फिलहाल एक महिला जो अपने बच्चे को लेके वापस घर लौट रही थी, क्योंकि पानी आज जो नदी में ज़्यादा है, तो उसके बेटे को तो वहाँ पे जो है तैर के वहाँ पे भेजा गया है एक व्यक्ति की मदद से, लेकिन अभी जो है इस महिला को पालकी में बैठ के उसके घर तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ की जो है रोज़ की परिस्थिति यही है, क्योंकि जो नदी है वो इन पहाड़ों को कनेक्ट करती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कोई छोटा बड़ा इंसिडेंट हो गया, शादी हो गई या किसी को कोई बीमारी हो गई, तो उन्हें जो है ऐसे ही जो है पालकी में बैठ के ही लेके जाया जाता है। नदी पार करने के लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इधर, वो तो स्कूल पढ़ने के लिए छोटा छोटा बच्चा है, कॉलेज जाने के लिए वो तो ज़्यादा तकलीफ हो रहा है इधर नदी पार करने के लिए। इन लोगों की तकलीफ, इन लोगों की परेशानियां दरअसल संसद में उन जनप्रतिनिधियों को उठानी थी, और संसद दरअसल उसी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और ये मुद्दे उठ ही नहीं पा रहे, इसलिए हमारी जवाबदेही थी कि इन खबरों को आपके बीच में लेकर आए।